हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ एंड माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड डीएलएफ क्रिएटर। तो गाइस, जैसा कि आप डेली मेरे चैनल पर देख रहे हो कि मैं ना फॉरएवर से रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ। मैं कुछ मतलब फॉरएवर में ओनर हूँ, मैं फॉरएवर में बिजनेस कर रही हूँ, बट आज की ऐसी कौन सी वीडियो है जिसको मैं मतलब जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ, बट ये मैं आपको है ना, इसमें ना तो आपको 2CC के बारे में बता रही, ना इसमें मैं फॉरएवर के बारे में बता रही, मैं इसमें आपको अपने बारे में बताऊंगी और किस तरीके से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया और क्या रीजन था कि मैंने फॉरएवर को ही चूज किया। तो चलिए वीडियो को है ना लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है पूनम, पूनम यादव है और मैं MP मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। रिसेंटली ग्वालियर में देखिए, मेरा मायका ससुराल दोनों ही मेरा ग्वालियर में है और मैं इस बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर रही हूँ। मैं फॉरएवर में बिजनेस कर रही हूँ, मैं इसको बिजनेस को टोटली ऑनलाइन बिलोंग कर रही बिल्ड कर रही हूँ। अगर आप ग्वालियर मतलब MP के अंदर कहीं भी हैं और आप चाहते हैं कि MP में आपको वर्क अपने बिजनेस को बिल्ड करना है फॉरएवर को, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, जिससे कि अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी, जिससे कि आपको वहां से सारे आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ, मैं रिसेंटली रह रही हूँ सागर में बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, ही इज डूइंग जॉब हियर। ये मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, पुलिस में है, तो मैं सागर में रह रही हूँ। सागर मतलब MP के अंदर ही आता है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। मैं यहां से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और देखिए, ये मेरा बिजनेस जो है ना, इस बिजनेस की सबसे अच्छी ब्यूटी जो है वो ये है कि मैं इसको कर रही हूँ टोटली ऑनलाइन। ना तो मुझे घर से एक स्टेप भी नहीं लेना पड़ता, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हम कहीं से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप एक हाउसवाइफ है, घर में आप बैठे हो, ऐसे अपना रील स्क्रॉल कर रहे हो या ब्लॉग्स वगैरह देख के अपना अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को यूटिलाइज करके आप अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हो। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं और क्या करती हूँ, और मैं एक एज अ टीचर हूँ और मैंने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, मैंने अपना कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया हुआ है। मेरे को मतलब हर चीज सीखने का बहुत शौक है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ हर चीज सीखने को, ये मेरा है। मेरे को हर चीज लर्न करने में बहुत मजा आता है। मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है जैसे कि पार्लर वगैरह का, तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ, बट मैंने इसको मतलब कंटिन्यू नहीं किया था, बस मेरे को अच्छा लगा था मैंने कर लिया था। मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया है ना, और मैंने BEd भी कर रखा है क्योंकि मेरे को है ना टीचिंग, मैंने जैसा कि हमेशा बताया टीचिंग लाइन में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफी इसमें एफर्ट डाले कि मैं अपना 100% दूं, बट जैसे रहता है ना शादी के बाद काफी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, काफी ऐसे मतलब कई चीजों का ऐसा बर्डन कह सकते हैं या फिर जिम्मेदारियां रहती हैं जो हमारे माइंड में रहती हैं, उसको हम अगर जैसे पूरा करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते। हम कितना भी टाइम निकाले ना तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, इसकी वजह से हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो यही मेरे साथ सेम हो रहा था, मैं काफी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो क्या होता है कि किसी भी रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी जो स्टडी होती है हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा था, मैं मतलब चाह तो बहुत रही थी कि मुझे अपने वर्क को कंटिन्यू करना है, मुझे स्टडी मतलब मैंने BEd किया है तो मुझे ना क्वालिफाई करना है एग्जाम को, बट ना कहीं थोड़ा बहुत तो नंबर रह ही जा रहे थे, ये हो रहा था मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये सारी चीजें तो मैनेज नहीं हो पा रही, बच्चे को भी लेके फैमिली को लेके सारी चीजें मतलब हौच पौच हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो मेरे सामने एक आया था वर्क फ्रॉम होम का रील आई थी, तो मैंने उसको देखा। फिर मेरे को बताया गया कि ये वर्क फ्रॉम होम है और फिर बाद में बताया मास्टर क्लास वगैरह वो क्या वगैरह लिया, तो उसमें फॉरएवर से रिलेटेड था जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुकी हूँ उसके बारे में। फिर मैंने कहा कि फॉरएवर कंपनी है, बैलेंस इंडस्ट्री है, ग्रो होने वाली है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल इसमें हमारी लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगी और हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर इसमें बन जाएगा। फिर मैंने ना इस चीज को और भी देखा, मैंने काफी स्टडी की, इसकी पॉलिसीज भी बनी कि क्योंकि हम जब तक कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हमें सारी पॉलिसीज देखना चाहिए, क्या ये पॉलिसी मैच कर रही है कि नहीं, तो वो सारी चीजें मैच कर रही थी। फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब, और गवर्नमेंट द्वारा भी सारे टेस्ट एंड वेरीफाई थे, तो मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री अच्छी है। बट नेटवर्क मार्केटिंग अगर हमको इसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं कर रही हूँ TLF क्रिएटर के साथ, यहाँ आपको एक यूट्यूबर बनने का भी मौका मिल रहा है, आपकी खुद की फेस वैल्यू बन रही है, आपकी खुद की फेस वैल्यू बन रही है, जिससे क्या है ना, आप किसी को भी अगर रिक्रूटमेंट करते हो या किसी को भी अपना बिजनेस बताते हो, आप बिल्कुल उसको ईजी में कर सकते हो, ये सारी चीजें ऑटोमेटेड मोड पर हैं।
तो मैंने इस तरीके से इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मैं वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर कहीं से भी कर सकते हैं। और हमारा काम जो रहता है ना लीड्स की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर आप भी फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं, आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका वर्क अच्छा नहीं चल रहा है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगी। और अगर आप अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं, दूसरी में, आप अपनी कंपनी चेंज नहीं करना चाहते हो, फिर भी आप अपना लीड्स की प्रॉब्लम है, आपको लीड्स की प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हो, सो दैट आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी मैं रिसेंटली इस वर्क को भी कर रही हूँ, साथ में मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मैं दोनों चीजें मैं कैसे मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा वर्क है टोटली ऑनलाइन है और डिजिटली है, इसी वजह से मैं दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, बैलेंस बन रहा है मेरा, सारा बैलेंस चल रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप भी कर सकते हैं। तो ये था मेरे खुद के बारे में इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा सा मैंने अपने बारे में आपको बताया है। और आप अगर एक हाउसवाइफ है ना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप स्टूडेंट, इवन आप जॉब पर्सन भी हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन है, आप डेफिनेटली कर सकते हो विदाउट एनी हर्डल्स के, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो आई होप आपको यहाँ सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। देखिए मैंने फॉरएवर से रिलेटेड तो नहीं बताया था, बट मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी। और अगर आप एमपी में, मध्य प्रदेश में कहीं भी बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से या फिर अदर स्टेट से भी हो, बट हमें ये लग रहा है कि हम ऑनलाइन कैसे करें, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण।